हाय गाइस, तो सबसे पहले बात करते हैं मनोदय के बारे में। तो क्या मनोदय एंग्री है एक स्कैमर से, क्योंकि वो मनोदय के नाम से लोगों से पैसे लेता है चैनल चेक करने के नाम पर। दरअसल गाइस, एक स्कैमर ने मनोदय के नाम से एक चैनल बना लिया और उनका सेम लोगो भी बना लिया, फिर फेसबुक पेज भी बना लिया और इंस्टा पर भी मनोदय के नाम से अकाउंट बना लिया। और तो और उस स्कैमर ने ट्रू कॉलर आईडी भी मनोदय के नाम से ही बना ली। और वो स्कैमर मनोदय के वीडियो पर कमेंट का रिप्लाई भी देता है कि हम आपके चैनल को चेक कर देंगे, उसमें क्या दिक्कत है और इतने पैसे भेज दीजिए। तो इस स्कैमर से मनोदय देने भी बात की है, आप ये क्लिप देखिए। मनोज भैया बोल रहे हैं? हाँ, तो बोल रहे आपने ना कमेंट में नंबर दिया था अपना भैया, वो मेरा एडसेंस प्रॉब्लम आया था ना। क्या प्रॉब्लम है आपका? वो एडसेंस मेरा मालूम है वेरीफाई नहीं हो रहा है। आप जहाँ तक वो क्लियर हो रहा है वहाँ का स्क्रीनशॉट लेके आप मुझे व्हाट्सएप करो। तो आप मनोज भैया ये बोल रहे हैं ना? मनोज देव खुद बात कर रहे हैं। हम मनोज देव बोल रहे हैं। भाई मेरे क्या फायदा हो रहा है बेटा, तुम बताओ थोड़ा जरा। ये लोगों का जो गरीब है जो तुम पैसा लूट रहा है, तुमको मजा क्या आ रहा है चीज बता तुम पहले। हाँ क्या मजा आ रहा है? पैसा तो नहीं लेते किसी से। पैसा नहीं लेता तेरा बारे में सब यहाँ पर, मेरे पास 10 लोग अभी तक आ चुका है, ठीक है। अब तुम जो बोल रहा है कि तुम मनोज देव बोल रहा, तुम क्यों बोल रहा भाई? तुम मेरा नाम लेके क्यों तुम कर रहे सब काम? साइबर पुलिस में 12 कंप्लेंट तुम्हारे नाम से आया है, तुम्हारा नंबर भी, ठीक है। हमको कॉल आया था धनबाद साइबर पुलिस से, हम गए हुए तो बोल रहा था आपका नाम से कोई फ्रॉड हो रहा है। हम बोले ठीक है, हम पता करते हैं, इसलिए हम रिकॉर्ड भी कर रहे हैं, वीडियो भी बन रहा, तुम्हारा नंबर भी दिख रहा है, ठीक है। अब समझ लें तुम आगे का गाइस कुछ इस प्रकार का देख सकते हैं, इतना ज्यादा फ्रॉड करता है। नंबर वगैरह वीडियो में आप लोगों ने देख ही लिया, मतलब क्या ही बताएं। वीडियो गाइस आप भी सावधान रहे ऐसे लोगों से। यूट्यूब पर ग्रो ना तो मनोदय करवा सकता है और ना ही टेक्निकल योगी, ये बस हमारी स्किल पर डिपेंड करता है। मैं इसलिए कहता हूँ कि ऐसी फालतू चीजें में पैसा खराब ना करे। गाइस आपको मनोदय के बारे में क्या कहना है कमेंट में जरूर बताना, और आप मेरी बात से कितने सहमत हो ये भी बताना।